सो ही वॉट्स अप गाइस, दिस इज ससी रंजन एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सेल के फ्रिक्स। मेक श्योर के चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं पहली स्टोरी की। तो पहली स्टोरी आ रही है पबजी बैन से रिलेटेड। तो करंटली प्ले स्टोर से पबजी एंड पबजी लाइट को रिमूव कर दिया गया है, तो अभी आप सर्च कीजिएगा तो आपको पबजी एंड पबजी लाइट नहीं दिखेगा। बट गाइस, आपको बता दूं कि अभी भी पबजी चल रहा है, बट इसका सर्वर कभी भी जा सकता है। बट एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि कल शाम को अक्षय कुमार अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक पोस्ट जारी किए जिसमें एक इंडियन गेम को इंट्रोड्यूस किए, नेम कॉल्ड फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो बेसिकली अक्षय कुमार बताया कि ये मोदी जी का आत्मनिर्भर संकल्प का एक हिस्सा होगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस गेम से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें 20% डोनेट किया जाएगा भारत के बीर ट्रस्ट में। तो ये सीरियसली काफी सराहनीय है। बट गाइस, इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पे एक बवाल सा हो गया, तो कई लोग बोलने लगे कि इस गेम का नेम तो कॉपीड है, साथ ही पोस्टर जो रिलीज किया गया है वो भी कॉपीड है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोनों इमेज पर, जिसमें क्लियर दिख रहा है कि कॉपीड है। फौजी के पोस्टर पर केवल एडिटिंग किया गया है, लाइक कलर ग्रेडियंट किया गया है, साथ ही इंडियन नेशनल फ्लैग को यहाँ पे अटैच किया गया है। इसी पर काफी बड़े बड़े यूट्यूबर रिएक्ट किए, साथ ही ध्रुव राठी अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किए और कई सारे बड़े बड़े गेमर भी रिएक्ट किए। तो आइए देखते हैं क्या बोले। खतरनाक मोबाइल और पीसी। मोबाइल है कि पीसी है नहीं पता, मोबाइल ही होगा ऑब्वियसली, पीसी क्यों होगा। बट विल दिस बी रेप्लिका ऑफ पबजी द सेम वे चाइना मेड पीईसी? आई फील इट मस्ट बी। सी युवराज, युवराज जी, आई बिलीव अगर वो ये एक रेप्लिका टाइप हुआ तो मतलब दैट विल बी अमेजिंग। आई डोंट नो कि इफ टोटली डिफरेंट होगा तो कैसा होगा, बट जो चाइना ने निकाला था, जैसे पीईसी निकाला था जो चाइना ने, दैट वाज वेरी सिमिलर टू पबजी। थोड़े से मैकेनिज्म्स में हल्के से चेंजेस थे उसमें, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज सेम। तो फौजी गेम के लिए रेडी हो भाई, इंडियन पबजी ट्रॉफी आएगी भाई। देखो, आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट एनीथिंग, पबजी इज पबजी, मैं क्या बोलूँ भाई। देखो, मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूँ यार, आज हम लोग जो है ना, सच बताओ तो भाई पबजी से ही बने यार। तो गाइस, देखने वाला बात ये होगा कि जब ये गेम का टीजर या फिर गेम प्ले रिलीज होता है, कॉपीड रहता है या फिर कोई नया रहता है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो इसी पर एक बड़ा यूट्यूबर रिएक्ट किए हैं जो कि मोदी जी की आवाज निकालते हैं, उनको आप लोग जानते होंगे, जिनका नाम है श्याम रंगीला। तो इस गेम के ऊपर एक शानदार रिएक्शन दिए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। ताइए उनके वीडियो से एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। भाइयों बहनों, देश में बेरोजगार बैठे युवा, रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवा, इनके लिए हमने कुछ सोचा है। हम पबजी की जगह भैया फौजी गेम लेकर के आ रहे हैं। अब जो भी व्यक्ति इंडियन आर्मी किन्हीं कारणवश से ज्वाइन नहीं कर पाया था, वो तुरंत प्रभाव से गेम को डाउनलोड करते ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेगा। भाइयों बहनों, बहुतों की समस्या थी कि पुराना जो गेम था उसमें मैप समझ में नहीं आते थे, और इसलिए हमने इस गेम में पोचिंकी की जगह विवेक विहार और मीरामार की जगह मालवीय नगर, इसी प्रकार से सिविल लाइंस वगैरह भी ऐड किए हैं। इसके साथ साथ ही आपको खुशी होगी कि आपको गेम में चाय की दुकान, पनवाड़ी की दुकान, गोलगप्पे की रेडी, ये सब चीजें मिलेंगी। तो गाइस, आपको फुल वीडियो देखना होगा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से देख सकते हैं। सो बात करते हैं अगली स्टोरी की। अगली स्टोरी आ रही है टेक्निकल सागर की तरफ से। तो टेक्निकल सागर बेसिकली एक वीडियो पोस्ट किया अपने चैनल पे जिसका टाइटल है चाइनीज नोकर हैशटैग डब्बा खोल। तो बेसिकली आपको पता है कि सागर जब भी डब्बा खोल यूज करते हैं वर्ड, तो उसमें डेफिनेटली टारगेट करते हैं टेक्निकल गुरुजी को। तो इस वीडियो में वो बताए हैं कि बहुत सारे टेक यूट्यूबर हैं जो इतना कुछ होने के बाद भी चाइनीज फोन को अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ ही फोन को प्रमोट करते हैं एंड रिकमेंड करते हैं परचेज करने के लिए। तो आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से वो डायरेक्ट टारगेट किए हैं टेक्निकल गुरुजी को, लेकिन टेक्निकल गुरुजी को नाम नहीं लिए हैं, लेकिन आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि वो टेक्निकल गुरुजी को ही बोले हैं। तो आइए उनके वीडियो से एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। और ये इनको बस प्रमोट करना और ये पैसा कमाना, भाई देश ही नहीं बचेगा तो इन पॉकेट में पैसे का करोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा विदेश भाग जाओगे, कुछ लोग तो भाग भी चुके। वीडियो के एंड में बोलते हैं जय हिंद वंदे मातरम। अरे भाई क्या मतलब है तुम्हारा? अगर जय हिंद वंदे मातरम बोलने से देशभक्ति हो जाती तो वो थोड़ी होता।
असली देशभक्ति ये है कि भाई देश के लिए कुछ करो। अबे झंडे, भारत के झंडे के साइड में रख के चाइनीज फोन खोल रहे हो यार, शर्म आती है। ईमान बेच का कौन, किसको पागल बना रहे हो? इंडियंस इतने बेवकूफ नहीं है, किसको पागल बना रहे हो यार तुम, किसको? कभी बोलते कभी जब चाइनीज एप्लीकेशन जब बैन होती है धूम मचा देते हैं भाई, कचरा जमीट जमीट रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, पेपर फाड़ रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि ओहो हो चाइना को हमने सबक सिखा दिया। हाथ साफ कर रहे हो, ये नहीं पता खुद ही गटर में ना के आ रहे हो भाई तुम। एक दिन में तीन तीन वीडियो चाइना के फोन की, तीन तीन वीडियो। क्या करोगे इन पैसे का यार तुम, क्या करोगे? इनको बुद्धि दो, इनको इंसान बनाओ और कुछ करो यार, उनको बोलो कुछ भला करो यार, है ना, कुछ लोगों में ज्ञान बांटो, फालतू के डब्बे मत खोलो। तो गाइस अगर आपको फुल वीडियो देखना होगा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं आज के ट्रेंडिंग सेक्शन की। तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब इंडिया में ये ट्रेंड कर रहा है। तो आपको बता दूं कि जिस दिन मैं वीडियो पोस्ट करता हूं उसी दिन का ट्रेंडिंग सेक्शन होता है और मैं टॉप 10 ट्रेंडिंग सेक्शन कवर करता हूं। ट्विटर इंडिया में ये ट्रेंड कर रहा है। गूगल सर्च ट्रेंड में ये ट्रेंड कर रहा है। इंपोर्टेंट नोटिस, अगर आप मुझे कोई न्यूज भेजना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से इजीली भेज सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतनी स्टोरी थी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज मी ससिरिजन फ्रॉम सरके फ्रीक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ऑन।